माता सती के 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ हरियाणा की एकमात्र धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में स्थित है, जिसे श्री देवी कूप भद्रकाली मंदिर के रूप में जाना जाता है। यह एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। चैत्र मास के नवरात्रि को भद्रकाली मंदिर धूमधाम से मनाया जा रहा है। हालांकि इस बार भी चैत्र नवरात्रि कोरोना महामारी के समय में आए हैं, लेकिन इसके बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था कम नहीं हो रही है। लोग दूर दूर से भक्ति भाव से पहुंच रहे हैं और मंदिर में मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं मंदिर प्रशासन की ओर से कोरोना से बचाव के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। बता दें कि शक्तिपीठ की पूरे देश में एक विशेष महत्व है। मंदिर के बारे में जानकारी देते हुए पीठ अध्यक्ष सतपाल शर्मा ने बताया कि देश भर में स्थित 52 शक्तिपीठों में से यह शक्तिपीठ, जो कि श्री देवी कूप भद्रकाली मंदिर के रूप में कुरुक्षेत्र में है, यह एक विशेष महत्व रखती है। बताया जाता है कि इस स्थान पर माता सती के दायां गुल्फ अर्थात घुटने से नीचे का भाग गिरा था और फिर यहां पर शक्तिपीठ की स्थापना हुई। वहीं महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से मां भद्रकाली के इसी स्वरूप की पूजा की थी और युद्ध में विजय का आशीर्वाद मांगा था। मां भद्रकाली का मंदिर एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से और श्रद्धा से मां की पूजा अर्चना करते हैं और मन्नत मांगते हैं, मां उन सब की मनोकामनाएं पूरी करती है। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है, मैं त्रावड़ी से आया हूँ। आज पहला नवरात्रा है। इस माता के मंदिर में आके बहुत अच्छे दर्शन हुए माता जी के। यहाँ पे मंदिर में बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है, मास्क लगाए हुए हैं, सैनिटाइजर की व्यवस्था की हुई है। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, माता के मंदिर में आके बहुत अच्छे दर्शन हुए। क्या नाम है, कहाँ से हो? हाँ, हमारा मेरा नाम है गीता कपूर, हम कुरुक्षेत्र मोहन नगर से हैं और आज पहला नवरात्र है, इसलिए हम यहाँ आए हैं, माथा टेकने के लिए आए हैं। क्या कामना करते हैं? हम ये कामना करते हैं कि इतनी बीमारी से देश जूझ रहा है, तो इससे हमें छुटकारा दिलाए महामारी और सबकी मनोकामना पूरी करे। इतनी दूर दूर से लोग आते हैं, उन्हें इस काबिल रखे, उन्हें ठीक ठाक रखे, ताकि इनका और भी प्रचार हो सके और बीमारी से छुटकारा दिलाए, हम यही दुआ करते हैं। तो काफ़ी लोगों की आस्था रहती है? हाँ जी, बहुत लोगों की आस्था रहती है। अब तो नवरात्रे हैं, अब तो यहाँ बहुत ज़्यादा आस्था है लोगों की, लेकिन आगे पीछे भी जब मर्जी देखो यहाँ ऐसे ही नवरात्रों की तरह ही भीड़ लगी रहती है। बहुत श्रद्धालु आते हैं और दूर दूर से आते हैं, तो यही दुआ करते हैं महामारी से कि कोरोना की बीमारी से सबको छुटकारा दिलाए और सबको तंदुरुस्ती दे। जय माता। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।